दो अक्टूबर को जनपद देवरिया के रुद्रपुर में एक ऐसी घटना घटी जो समाज और सिस्टम पे एक सवाल खड़ा कर दिया। और आज सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर पीड़ित परिवार दुबे परिवार का घर देखने आए हैं, संवेदना व्यक्त करने आए हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे और जानने चाहेंगे ताकि सरकार में है सरकार क्या कार्रवाई कर रही है पूरी तरीके से, इस मामले पे उनकी क्या राय है बात करेंगे। किस तरीके से न्याय मिले उसके लिए आपकी पार्टी क्या करने वाली है? देखिए, हमारी पार्टी जो प्रयास हम लोगों का है, क्योंकि मैं भी परसों माननीय मुख्यमंत्री से मिला था, उन्होंने समय मांगा तो मैंने समय दिया, मैं मिला तो चर्चा होने लगी, जो कि बड़ी घटना है। तो हमने भी निवेदन किया उनसे कि जो जांच टीम गठित है त्वरित जांच हो और न्याय मिले। तो और इस मुद्दे पर क्या बात हुई मुख्यमंत्री से? और बहुत सी बातें हैं, अब सबके सामने नहीं बताई जा सकती। फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात चल रही है कि इस पूरे मामले को फास्ट ट्रैक में देखा जाए, तो कहाँ तक वो सही है? देखिए, जल्दी न्याय के लिए तो फास्ट ट्रैक कोर्ट जाना पड़ेगा, अगर लोगों की मांग है तो उसके लिए हम भी मुख्यमंत्री से मिलकर इस पर निवेदन करेंगे। ठीक है, धन्यवाद। ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए, अब घटना घटित हो गई है, अब जो आगे कानूनी कार्रवाई है सरकार पूरी तरह जो अनियमितता बरती गई थी घटना में, जिसमें आप लोगों ने दिखाया भी सरकार के तरफ से 15 लोगों को सस्पेंड किया गया और सरकार न्याय करने के लिए अपने अथक प्रयास कर रही है। क्या चाहते हैं आप लोग इसके बाद? देखिए, जांच के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिया है, जांच हो रही है और न्याय मिले, यही हम लोग उम्मीद करते हैं। इसमें 16 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, उसमें तमाम जात के लोग फंसे हैं, उसको आप किस नज़रिए से देख रहे हैं? देखिए, जो खबरें जो मिल रही हैं आप लोगों के माध्यम से, जो पहले जो घटना घटी उसके बाद की जो घटना है वो दुखद घटना है, वो आवेश में गुस्से में आकर के जो लोग उसमें सम्मिलित हैं, जांच में जो लोग होंगे तो उनके खिलाफ तो कार्रवाई होगी। मीडिया वाले लोगों ने देखा, हेलो।